जैसा कि आपको बताया कि 2020 में मार्च से लेकर के पूरा दिसंबर तक कोविड का जो समस्या था बहुत बड़ा था, उससे लॉकडाउन था, तो उसमें 20 में तो क्राइम वैसे भी काफ़ी कम है, और 2021 में पर आप देखेंगे तो उससे कम से कम एक 20-25% क्राइम बढ़ा हुआ है कहीं कहीं पे, तो उसके कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है। अगर 19 से कंपेयर करेंगे तो कंपेरेबल है, लेकिन अभी आप बोले कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेगा नेचुरली, जहाँ पे समाज में लोग बढ़ेंगे तो चांसेज हैं कि वहाँ पे कुछ कुछ क्राइम बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने देखा अभी क्राइम बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन हमारा 21 में भी करीब से IPC क्राइम का जो डिटेक्शन है वो 72% रहा है, 2020 का जो डिटेक्शन है वो 75% रहा है, और 19 के पीछे जाएंगे तो अभी 72-73 के सी पास में आपको मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो बाकी जो ऑफेंसेज हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, उसमें रॉबरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, चेन स्नैचिंग का वो भी डिटेक्शन 40% के ऊपर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डकैती में कोई इशू नहीं है, सारे डिटेक्टेड हैं, और बाकी जो बॉडी ऑफेंसेज हैं उसमें भी नंबर बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन अच्छा है, परसेंटेज हमारा अच्छा है, प्रिवेंटिव एक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है, और जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या जो बाकी जो गुनाह हैं, छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनको भगा के ले जाने का, या 363 जिसको किडनैपिंग का केस है, उसमें भी डिटेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी लोगों को ट्रेस किया है, और मतलब ट्रैफिक के भी जो है, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रैफिक में आई है कि जब वो लॉकडाउन खुलने के बाद में, चूँकि ये मुझे लगता है कि ट्रेन वगैरह बंद थी, तो मैक्सिमम लोग रोड से ट्रेवल किया मोटरसाइकिल और मोटर कार में, और बाकी जो ऑटो रिक्शा वगैरह में, उसे थोड़ा एक्सीडेंट में बढ़ा हुआ है 20 के कंपेरिजन में, और फेटल एक्सीडेंट 47 से बढ़ा हुआ है 19 के कंपेरिजन में, तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय था, लेकिन हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और उस पर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट और सिडको और नगर पालिका PWD MSCB सब लोग मिल करके उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल भी जहाँ पे ज़रूरत है कुछ करने की वो भी हम कर रहे हैं, और उसमें टाइम लगता है, जहाँ जहाँ कुछ बनाना हो, कोई फ्लाईओवर का काम करना हो, तो एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा है कायदा सुव्यवस्था हमारा, कभी मुझे लग रहा है कि आपने सबने देखा है कि ओवरऑल शहर पूरा एकताले बड़ा पीसफुल रहा। इसमें सभी जो नई मुंबई कर रहे हैं, आप सभी जो हमारे पत्रकार बंधु और भगनी सभी लोग मिल करके, आपके सबके सहकार से हमने साल भर बहुत अच्छा, बहुत शांत रखा शहर को। समस्या यहाँ पे निर्माण हुई, कभी 25,000 लोग भी आए थे इधर, आपको पता है, जब ये दीबा पाटिल के नाम के बारे में, एयरपोर्ट का नामकरण के बारे में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और भी ऐसे मराठा आंदोलन के बारे में था, और कब कुछ कोविड की समस्या आई थी, बाकी और भी चीज़ें थी जिसमें लेकर के समस्याएं हमारे पास आई, प्रकल्पग्रस्त के यहाँ पे इशू चलते रहते हैं, तो सब मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहा। और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, ज्वाइंट CP हैं, एडिशनल CP क्राइम साहब हैं, DCP क्राइम, सारे हमारे DCP जोन के DCP हैं, DCP SB ट्रैफिक, सभी SCP सीनियर PI, सभी अधिकारी कर्मचारी, पूरा हमारे 5,000 के स्टाफ यहाँ पे जो भी है वो कम नहीं है, सबने मिल करके अच्छा काम किया है, और उसमें अल्टीमेटली लोगों का सहकार अगर अच्छा मिलता है तो हम लॉ एंड ऑर्डर क्राइम दोनों फ्रंट पे अच्छा काम करते हैं, ट्रैफिक में भी अच्छा काम करते हैं, और अपना अच्छा शहर है, अच्छा नई मुंबई तो स्वच्छ शहर है, मतलब भारत में पहला दूसरा तीसरा नंबर पे रहता है, तो हमारी कोशिश है कि इसको क्राइम के हिसाब से भी स्वच्छ रखा जाए, और डिटेक्शन अच्छा हो, प्रिवेंशन भी हो, लोगों में अच्छा एक माहौल अच्छा रहे यहाँ पे शहर के बारे में, हमारी कोशिश है और हम उसमें सफल रहे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ, और अगले साल भी वही जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, और उसमें जो ड्रग्स और जो नारकोटिक्स या गुटखा है वो भी हमारा प्रायोरिटी है, हमने उसमें 4.5 करोड़ के मुद्देमाल जब्त किए हैं, 450 लोगों का अरेस्ट किया है अभी, और अभी आपने देखा होगा कि हमने लास्ट ईयर में लास्ट डे पे 2.5 करोड़ का हमने MD ड्रग पकड़ा था, गुटखा बहुत जगह पकड़ा हमने, क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है और कुछ लोग यहाँ पे शायद सेवन करते होंगे, मेरी अपील है कि लोग न खाएं गुटखा और ड्रग्स वगैरह के बारे में, अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो, और इसी के संदर्भ में हमने बहुत सारे कुछ विदेशी नागरिकों को भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है, टोटल हद्दपार हमने 80 लोगों किया है जो अपने उनके देश में वापस भेजा गया है, उसमें से कुछ क्राइम में लोग थे जो कुछ नारकोटिक्स के केस में थे, उनको भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है, तो हमारा पूरा हमारा जो क्राइम ब्रांच है, हमारा जो जोनल पुलिस है, मिल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई भी स्पेशलाइज क्राइम हो, साइबर क्राइम भी 25% हमारा डिटेक्शन है, लेकिन वो एक अलग ही चैलेंजिंग क्राइम होता है, अभी उसको बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है, उसमें तुरंत इंटरवीन करना पड़ता है,
लोगों का पैसा, इकोनॉमिक जो क्राइम है साइबर स्पेस में, उसमें अगर हमको तुरंत पता लगता है तो हमने उसमें 26 लाख लोगों का रिकवरी भी करके दिया है। कहीं पे अगर तुरंत पता लगे तो हमने इंटरवीन करके उसको रुकवाया भी है फर्दर ट्रांजेक्शन। और बाकी बहुत तरह की उसमें क्राइम है साइबर के फील्ड में, अभी साइबर स्पेस में सारी क्राइम साइबर स्पेस में हो रही हैं। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है कि लोगों ने तुरंत बताना चाहिए। और लोग जो हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होती है, हम जो कि आपने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए खुद अपना पैसा बचाने के लिए, अपना अकाउंट आपका हैक ना हो या फिर OTP ना शेयर करें या कैसे भी क्राइम ना हो, अपने बहुत सारे जो वाइटल डेटा हैं वो लोग शेयर ना करें। आपके जो इकोनॉमिक डेटा हैं, जो मेडिकल डेटा हैं, जो बायोलॉजिकल डेटा हैं, वो सब अपना बचा के रखें। तो वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, सबको कोऑपरेशन उसमें करना ज़रूरी है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। आप देखो अभी तो 10 में 10 तो मैं देना चाहूँगा, लेकिन 10 में मैं 9.5 तो पक्का देता हूँ, क्योंकि 10 में 10 परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट करने की। तो 9-10 के बीच में है हमारा काम, और सबने बहुत मेहनत किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड के समस्या के बावजूद हमारे, आपको पता है कि हमारे उसमें 12 हमारे पुलिसकर्मी और हमारे अपने पुलिस फैमिली के तो उससे ज़्यादा लोग भी चले गए, तो अपनी जान की बाजी लगा कर लोगों ने लोगों की सेवा की है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है, हर फील्ड में अच्छा काम किया लोगों ने। तो मेरे ख्याल से 9-10 के बीच में रहेगा, बाकी तो सब आपके सामने। देखो हमारा जो SER है वो सब जनता के सामने है, अगर जनता सेटिस्फाइड है कि हाँ नई मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, शहर ठीक है, सेफ है, सुरक्षित है, ट्रैफिक के लिए ठीक है, तो हमारे लिए वही उपलब्धि है। स्पेसिफिक सब में कार्रवाई होती है, आप जनरल सवाल अभी नहीं कर सकते कि कहाँ पे गया, स्पेसिफिक जो कंप्लेंट है तो कार्रवाई पक्का हुई होगी, कार्रवाई होती है, होगी। FIR होने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ट्रुथ क्या है, फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है। नहीं, आपका इंडिविजुअल जो मैटर है, एविडेंस क्या है, इंडिविजुअल मैटर ठीक है, आप अलग से मिलके बताओ, इंडिविजुअल सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी आकर के हमको, हम तो मिलते हैं सबको, अभी कोविड खत्म हो गया है तो करीब करीब तो मैं शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में, 6 के बीच में सबको मिलता रहता हूँ। प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पे 100% अरेस्ट होना जरूरी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्राइम में बिना अरेस्ट हुए भी हम चार्जशीट सबमिट कर सकते हैं। CRPC 299 में बाकी सभी जगह प्रोविजंस हैं, कुछ जगह साहब ने बताया जैसा कि लीगल प्रोसीजर होता है, कहीं पे एंटीसिपेटरी बेल है, बहुत लोग हाईकोर्ट में जाते हैं स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस में, क्योंकि उसमें वो सिविल कम क्राइम होता है, उसमें कहीं कुछ पैसे का लेन देन होता है, और हर एक आदमी को लगता है कि नहीं पुलिस के पास गए तो तुरंत हमारा काम होना चाहिए, हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमारा मिलना चाहिए। हमारा काम होता है कि हम उसको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमारा काम आपका पैसा दिलाने का नहीं है, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, कोर्ट को हमको भेजना पड़ता है उसको, और उस प्रोसेस में आपको जो भी आपका चीज़ बचत क्राइम है पैसा मिलना है तो कोर्ट के थ्रू जो मिलता है मिलता है। तो हर जगह पे 100% अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ लीगल प्रोसीजर की प्रॉब्लम है और कुछ एक से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, प्लस ये धारणा गलत है कि FIR हो गया तो चार्जशीट हो गया, ऐसा नहीं होता। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।